हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि चू फेंग के स्पीड वॉल से डेंग डेंग बाहर आ जाती है और सिक्स एल्डर को अपनी ब्लैक फ्लेम की मदद से बहुत ही आसानी से मार डालती है। और आखिरी में हमने देखा था कि ये सारा कुछ देख के स्टोन शॉर्ट सेक का मास्टर बहुत सारे फॉरबिडन पी एक साथ खा लेता है और अपने पावर को बढ़ाने लग जाता है। और आज के एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है ये बंदा सीनियर चू जी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर सीनियर बहुत सारे बैरियर अपने सामने ले आते हैं, मगर वो बंदा एक एक करके बैरियर को तोड़ते हुए सीनियर के पास जाने लग जाते हैं, जिसको देख के सीनियर घबरा जाते हैं। मगर तभी दिखाया जाता है सीनियर के सामने चू फेंग और डेंग डेंग आ जाता है और चू फेंग अपने ब्लैक टर्टल आर्मर को उधर ले आता है, मगर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो बंदा इन सारे बैरियर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से एक उधर धमाका हो जाता है। इन चीज़ को देख के डेंग डेंग थोड़ा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है उसने इतने सारे फॉरबिडन पील को एक साथ खा हमारे इस डिफेंस को भी तोड़ पाया है, इसे हमें जल्दी से मारना होगा। और तभी दिखाया जाता है ये बंदा चू फेंग को देख के बहुत ही हंसने लग जाता है और कहने लगता है क्या होता है, तुम एक सीनियर हो और तुम्हारे पास एक असुरा स्पिरिट वॉल की वॉल स्पिरिट है, मगर तब भी तो तुम मेरे हाथों से आज इधर मरने ही वाले हो, जिसकी वजह से इस टेंसी रीजन के सारे लोग मेरे नाम को जान जाएंगे। तभी दिखाया जाता है फेंग सीनियर चू जी को कहने लगते हैं सीनियर आप लोग आप अपनी फैमिली के साथ जल्दी से इधर से चले जाइए। तभी दिखाया जाता है वो सीनियर चू फेंग को कहने लगता है नहीं चू फेंग, तुम अपने ज़िंदगी को रिस्क में लगा के हमें इधर बचा रहे हो, हम ऐसे इधर से कैसे भाग सकते हैं। तभी चू फेंग कहने लगता है सीनियर मेरे पास एक रास्ता है इसे हराने के लिए, और अगर मैं उस रास्ते की मदद से इसे हराने की कोशिश करूँ तो आप लोगों को भी तकलीफ हो सकता है, जिसकी वजह से मुझे इधर डिस्टर्ब भी हो सकता है। चू फेंग का ऐसा बात सुन के वो सीनियर वैसे जाने लग जाता है और चू फेंग को कहने लगता है ऐसा है तो में जब हम मिलेंगे मैं हमारे इस काइंडनेस को जरूर रिपे करूंगा। तभी दिखाया जाता है ये आदमी सीनियर चू जी का पीछा करने की कोशिश करता है, मगर डेंग डेंग उसके सामने आके कहने लगता है तुम्हारी ओपोनेंट ये क्वीन है। तभी दिखाया जाता है वो बंदा डेंग डेंग के ऊपर अपने शॉट की मदद से अटैक कर देता है और दूसरी तरफ डेंग डेंग अपने हाथ की मदद से ही उस शॉट को रोकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से डेंग डेंग का हाथ थोड़ा इंजर हो जाता है और उससे खून भी निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से डेंग डेंग बहुत ही गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है जरूर अपने मौत को ही इधर ढूंढ रहे हो। मगर तभी डेंग डेंग को चू फेंग बुलाने लग जाता है और कहने लगता है डेंग डेंग तुम मेरे पीछे आओ, जिसको सुन के डेंग डेंग उस ओल्ड बास्टर्ड को कहने लगती है ओल्ड बास्टर्ड तुम याद रखना जब हम दोबारा से मिलेंगे तो मैं ही तुम्हें इधर मारूंगी, और उधर से जाने लग जाते है। और उन दोनों को जाते हुए देखिए ओल्ड बास्टर्ड हंसने लग जाता है और कहने लगता है ये तो कितना जीनियस था और इसका वॉल स्पिरिट तो बहुत ही कमाल है, मगर ये लोग तो मेरे ऊपर एक सिंगल स्ट्राइक भी नहीं कर पाए, और ये कह के और बहुत सारे फॉरबिडन मेडिसिन को खा लेता है, जिसकी वजह से उसका पावर बहुत ही बढ़ जाता है। तभी ये बंदा चू फेंग को चिल्ला के कहने लग जाता है चू फेंग तुम इधर से नहीं भाग सकते हो, तुम्हारा वो रॉयल आर्नामेंट मेरा है, साथ ही साथ तुम्हारा वो वॉल स्पिरिट भी मेरा है। और चू फेंग का पीछा करते हुए कहने लग जाता है चू फेंग अपने रॉयल आर्नामेंट को मुझे हैंड ओवर कर दो, तुम्हें मैं इधर से जिंदा जाने दूंगा। तभी चू फेंग अपने मन में सोचने लगता है शायद अब भी बार्निंग सॉर्सरर के एंट्रेंस में बहुत सारे किलिंग फॉर्मेशन होंगे, और ये के बार्निंग हेवन सॉर्सर की तरह आगे बढ़ने लग जाता है। तभी चू फेंग ओल्ड मैन को कहने लग जाता है तुम थोड़े समय खुद के ऊपर प्राउड कर लो, क्योंकि आखिरकार तो मैं तुम्हें पेनफुल डेथ दूंगा। तभी चू फेंग का ये बात सुन के वो ओल्ड मैन बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है अगर मैं इधर मर भी जाऊंगा तो पहले मैं तुम्हें ही इधर मारूंगा और तुम्हारे बॉडी को मिलियन पीस में काट डालूंगा और उसके बाद तुम्हारी खूबसूरत वॉल स्पिरिट के साथ एंजॉय करूंगा। तभी दिखाया जाता है इस ओल्ड बास्टर्ड का कुछ होने लग जाता है और फॉरबिडन मेडिसिन के साइड इफेक्ट वजह से इसके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लग जाता है और वो अचानक से जमीन में गिर जाता है और खुद को बचाने के लिए चिल्लाने लग जाता है उधर। तभी दिखाया जाता है इस बंदे का हालत इतना बुरा हो जाता है कि वो चू फेंग और डेंग डेंग के सामने भीख मांगने लग जाता है कि वो लोग उसको जल्दी से मार दे। तभी दिखाया जाता है डेंग डेंग उसके पास जाके उसे कहने लगता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इतनी जल्दी नहीं मरने वाले हो, और ये कह के डेंग डेंग अपने ब्लैक फ्लेम की मदद से उसे जलाने लग जाता है।
है जिसकी वजह से वो बंदा डेंग डेंग को बहुत ही भला बुरा कहने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है ये सारा कुछ देख के उधर एक बंदा आते हुए शु फेंग और डेंग डेंग को कहने लगता है, तुम लोग तो बहुत ही रूटलेस्टर्ड हो, मगर तुम्हें अप्रोप्रियट समय में ये सारा कुछ स्टॉप कर देना चाहिए। कैसा होगा कि तुम मेरे लिए इस बंदे को इधर ही छोड़ दो। तभी दिखाया जाता है शु फेंग उस आदमी के सामने आ जाता है और डेंग डेंग को पूछने डेंग डेंग को कहने लग जाता है, डेंग डेंग चलो हम इधर से चलते हैं। तभी दिखाया जाता है वो आदमी शु फेंग के हाथ पे जो रॉयल आर्नामेंट होता है उसको देख के हैरान हो जाता है और शु फेंग को कहने लगता है, ये रॉयल आर्नामेंट तुम्हें बिलोंग नहीं करता है, तुम जल्दी से इसे मुझे लौटा दो, जिसकी वजह से आज मैं तुम्हें इधर जिंदा छोड़ दूंगा। तभी शु फेंग उस बंदे के प्रेशर को महसूस करके अपने मन में सोचने लगता है, इसका प्रेशर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और शु फेंग उस आदमी को पूछने लगता है, तुम कौन हो। तभी दिखाया जाता है वो आदमी कहने लग जाता है, मैं इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली का थर्ड इमोर्टल। तभी थर्ड इमोर्टल शु फेंग को उधर से जाते हुए देख के कहने लग जाता है, जैसा कि मैंने सोचा था, देखने से इस बंदे के बारे में अच्छी तरीके से मालूम नहीं होता है और ये बंदा इतना भी सिंपल नहीं है, मैं उससे बहुत ही दूर हूँ और मेरा प्रेशर भी धीरे धीरे कम हो रहा है, मगर तब भी कोई नॉर्मल मार्शल लॉ का बंदा मेरे प्रेशर को इतनी आसानी से झेल नहीं पाता है, मगर इसने तो मेरे प्रेशर को बहुत ही आसानी से झेल दिया है। तभी दिखाया जाता है शु फेंग दूर से ही थर्ड इमोर्टल को कहने लग जाता है, अगर तुम मेरे इस रॉयल आर्नामेंट को वापस लेना चाहते हो तो ये डिपेंड करेगा तुम्हारे पास कितना एबिलिटी है। तभी दिखाया जाता है थर्ड इमोर्टल स्टोन स्वॉर्ड से के मास्टर के पास जाके उसे देखने लग जाता है और कहने लगता है, इसे तो बचाया जा सकता है, और ये कह के एक मेडिसिन उसे खिला देता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में शु फेंग को एक केप के अंदर दिखाया जाता है, जिधर शु फेंग कहने लग जाता है, इस केप के अंदर तो पानी है मगर इधर तो कोई भी आइस नहीं है, यही क्या रियल एंट्रेंस है बर्निंग हेवन सॉर्सरर का, जैसा कि लेडी पायोमिया ने कहा था। तभी दिखाया जाता है शु फेंग उस पानी के अंदर जंप कर देता है और पानी के नीचे जाने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है वो सीनियर और थर्ड इमोर्टल शु फेंग का पीछा करते हुए उस केप में पहुंच जाते हैं। तभी दिखाया जाता है वो थर्ड इमोर्टल कहने लग जाता है, ये शु फेंग बंदा इतना सिंपल नहीं है, मैं बहुत ही बार इन सारे किलिंग फॉर्मेशन के अंदर आ चुका हूँ, मगर कभी भी मैंने इस जगह के एंट्रेंस को ढूंढ नहीं पाया था, और थोड़ा आगे देख के हैरान होके कहने लग जाता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अगर हम शु फेंग को इस तरीके से फॉलो करेंगे तब हम इस जगह में आ पाएंगे। शु फेंग के अंदर तो बहुत ही अनबिलीवेबल टैलेंट है, मुझे उसे जिंदा ही कैप्चर करना होगा, नहीं तो उसका सारा टैलेंट वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें स्टोन स्वॉर्ड के मास्टर को दिखाया जाता है जो थर्ड इमोर्टल को थैंक यू कहने लग जाता है अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, और कहने लगता है, मैं आपके इस एहसान को कभी भी रीपे नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं हमेशा आपका लॉयल बन के रहना चाहूँगा। तभी दिखाया जाता है थर्ड इमोर्टल उसे कहने लग जाता है, अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो तुम सिर्फ इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के लॉयल बन के हमेशा रहना। तभी दिखाया जाता है वो दोनों भी उस लेक के पास आ जाते हैं। तभी दिखाया जाता है वो सीनियर थर्ड इमोर्टल को पूछने लग जाता है, यही क्या बर्निंग हेवन सॉर्सरर का एंट्रेंस है। तभी दिखाया जाता है वो थर्ड इमोर्टल कहने लग जाता है, इधर बहुत सारे किलिंग फॉर्मेशन थे और उनसे पार करना इतना भी आसान नहीं था, मगर शु फेंग की वजह से हम इधर आ पाए। तभी दिखाया जाता है ये सीनियर कहने लग जाता है, मैं बहुत ही हैरान होता हूँ कि शु फेंग के मास्टर का आइडेंटिटी क्या होगा, मगर मुझे शु फेंग के साथ जितना एक्सपीरियंस है मुझे ऐसा लगता है शु फेंग भी बहुत ही खास है, और वो क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के साथ रिलेटेड है, साथ ही साथ वो बर्निंग हेवन सॉर्सरर के साथ भी कुछ रिलेटेड हो सकता है, इसलिए मैं हैरान होता हूँ कि उसका मास्टर कौन हो सकता है। तभी दिखाया जाता है इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली का थर्ड इमोर्टल कहने लग जाता है, तुमने क्या सुना है, शु फेंग का अच्छा रिलेशन है लेडी क्यूसी के साथ जो लबर टेरेस की टावर्स है, और हम बहुत समय से सस्पेक्ट कर रहे हैं कि लेडी क्यूसी ही होली लेडी है बर्निंग हेवन सॉर्सरर की, और क्योंकि शु फेंग का रिलेशन उसके साथ अच्छा है, इसका मतलब नेचुरली शु फेंग का अच्छा रिलेशन बर्निंग हेवन सॉर्सरर के साथ भी है, मगर इधर आने के बाद मुझे पता चला कि वो एक्चुअली में नहीं जानता है एंट्रेंस किधर है, मगर वो एक स्पेशल मेथड की मदद से आसानी से इस एंट्रेंस को ढूंढ पाया है, इसलिए मैंने कहा था कि शु फेंग इतना भी सिंपल नहीं है। तभी दिखाया जाता ये सीनियर कहने लगता है, इसका मतलब ये बहुत ही अमेजिंग है और उसके बाद बहुत ही सारा सीक्रेट स्किल भी है, इसलिए ये स्टाइल
खुद में ही एक ट्रेजर है, इसलिए हम इसे आसानी से नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए थर्ड इमोर्टल, क्या हमें नीचे जाके शू फेंग को जल्दी से कैप्चर करना नहीं चाहिए? तभी दिखाया जाता है थर्ड इमोर्टल उसे कहने लग जाता है, मगर तुम्हारे हालत को देख के तुम नीचे नहीं जा सकते हो। तभी दिखाया जाता है ये सीनियर अपने मन में सोचने लगता है। उसी समय में ही तो बार्निंग हेवन सोर्सरर का सारा सीच इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली का ही हो जाएगा। तभी दिखाया जाता है थर्ड इमोर्टल इस सीनियर को कहने लग जाता है, तुम चिंता मत करो, तुम इधर से लौट जाओ, तुमने क्या किया मैंने देखा है। इसलिए मैंने इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के बहुत सारे एक्सपर्ट को तुम्हारे स्वॉर्ड स्टोन स्वॉर्ड सेक में भेज दिया है, और अब से ही हमारा इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली तुम्हारे सेक को प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसको सुन के वो बंदा थर्ड इमोर्टल को थैंक यू कहने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है वो थर्ड इमोर्टल उस लेक के अंदर जंप कर देता है और अपने मन में सोचने लगता है, इस बंदे ने जो कहा चू फेंग रियली में ही एक ट्रेजर है, मगर नीचे मेरे लिए सिर्फ एक ही ट्रेजर वेट नहीं कर रहा है, उधर दो ट्रेजर मेरा वेट कर रहे हैं। और चू फेंग, तुमने मुझे इधर आने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से मदद किया है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।